कैरियर पब्लिक स्कूल के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही काफी समय से चोरों की हरकतों से परेशान है। यहाँ पर आए दिन चोरी की घटना हो रही है और इसमें लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। लोग चाहते हैं कि इस इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था रात्रि में होना चाहिए। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत SACL हेलीपैड के पीछे 483 आवास तैयार किए गए हैं। इनमें से 50% के आसपास का आवंटन कर दिया गया है और कुछ आवासों में लोग रहने लगे हैं। लोगों की दिक्कत यह है कि घर के सामने खड़े वाहन से डीजल पेट्रोल की चोरी हो रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक केबल के साथ साथ बोर का सामान भी चोरों के द्वारा पार कर दिया जा रहा है। ये सब बिजली पानी से तो हम लोग वैसे भी परेशान थे, अब ये यहाँ पे चोरों का भी धावा हो गया है। आए दिन कभी मोटर का तार निकाल के ले जाते हैं, कभी बाइक से, सबके बाइक से पेट्रोल चोरी हो रहा है। एक तो इतना महंगाई, ऊपर से पेट्रोल चोरी होगा तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग दरवाजा का पर्दा चोरी कर लिया और रात में तेल चोरी हो रहा, और कहते सीट कवर सब पाइप को काट काट के तेल निकाल ले रहा है। तीन चार बार हो गया हम लोग का, 50 रुपए तेल डलवाते सवेरे गायब रहता है। नागरिकों ने बताया कि अब तक कई मौकों पर आपस में चंदा करने के साथ व्यवस्था को सुधारा गया, लेकिन लंबे समय तक इस तरह का काम नहीं किया जा सकता, इसलिए सुरक्षा का माहौल होना चाहिए। हर हमेशा हर महीना चंदा करके बोलो आसन सर, तो हमारा पानी के बहुत जरूरी है, मैं वो होना चाहिए। प्राइवेट तो ठीक है। हाँ जी, चौकी में गए थे शिकायत दर्ज करने के लिए, बोलते हैं कि रात को कम से कम एक आध बार इधर पे गश्त लगा दिया करो सर, पेट्रोलियम जो होता है तो कम से कम एक आध बार पेट्रोलियम करना चाहिए, नहीं करते हैं। इससे पहले भी यहां के नागरिकों के द्वारा इन घटनाओं को लेकर अधिकारियों तक बात पहुंचाई गई। उम्मीद की जा रही थी कि देर सवेर हालात ठीक हो सकेंगे, लेकिन तस्वीर जस की तस बनी हुई है। ब्रांड एसएन न्यूज के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट।